रीवा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में 150 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 400 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। रीवा की जनता की बेहतरी के लिए बनाए गए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कुल 240 बिस्तरों की व्यवस्था कराई गई है। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में जांच का तमाम सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही इसमें अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, CTVS, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोनेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जन, नेफ्रोलॉजी एवं न्यूरोलॉजी संबंधित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विंध्य क्षेत्र के एक बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एम्स की तर्ज पर बनाया गया है, जिसमें एम्स के तरह ही सुविधाएं मिलेंगी। हमारे रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में, चाहे वो हृदय संबंधित बीमारियां हों चाहे बाकी बीमारियां हों, जिसमें दिल्ली की जनता को इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता था, वो इलाज अब यहाँ संभव होगा। और केवल रीवा को नहीं, विंध्य की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात है। और इस सौगात के लिए मैं रीवा की जनता को समर्पित हम लोग करते हैं और बधाई भी देते हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।